अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है उसमें APK के जूसी जेल मास्क का रिव्यू शेयर करूँगी। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन और कुछ स्किन केयर मैंने फॉलो की थी उसको चल के पहले देख लेते हैं और फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अच्छी तरह से अपने फेस को वॉश कर लेना है किसी अच्छे से फेस वॉश से, सोप से, जो भी आप यूज़ करते हैं, ताकि तमाम डर्ट्स ऑयल वगैरह जो है वो रिमूव हो जाए और ज़्यादा अच्छा असर रहे इसका। उसके बाद जो है मैंने अपने फेशियल हेयर को रिमूव किया है। ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैं अपने फेस के बालों को शेव कर रही हूँ। इससे पहले जब मैंने फ़र्स्ट टाइम शेव किया था तो उसकी पूरी वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड की थी, आई बटन पर लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा अगर आपने बालों को शेव किया हो या कभी आप सोच रहे हो, ठीक है। तो अच्छी तरह से अपने बालों को मैं शेव कर लूँगी। इससे पहले मैंने पूरे फेस पर एलोवेरा जेल अप्लाई की थी। इस मॉइस्चराइज़र अप्लाई किए बगैर आप रिमूव नहीं कीजिएगा। अगेन मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से जो है वो वॉश किया है और अब अच्छी तरह से जो है इसको क्लीन करके मैं जेल मास्क जो है लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ट्रेजेडी हो गई मेरे पास। इतनी मैं सुस्त किस्म की आपकी बहन है ना कि मैंने देखा नहीं कि ऊपर जेल मास्क लिखा है, बस मैं ऊपर जो तस्वीर बनी थी उसमें शीट बनी हुई थी तो मैं वो देख कर ले आई कि ये शीट है। तो अब जी मैं ढूंढ रही हूँ कि मास्क कहाँ है। पूरा मैंने जो है पैक को नीचे तक देख लिया और मैं ढूंढ रही हूँ कि मास्क है कहाँ। तो फाइनली जब मास्क नहीं मिला मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जी मेरी अपनी गलती है कि मैं अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस को रीड करके नहीं लाई। तो अब कुछ बात करते हैं मास्क के बारे में। खुशबू इस मास्क की बहुत ही कमाल की है, टोटली कोकोनट जैसे इसमें ऐड किया हुआ है। उसके अलावा कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी थिक है, एलोवेरा जेल जैसे इसमें ऐड किया, ठीक है। अप्लाई करने के आपने 10 से 5 मिनट के बाद जो है इसको रिमूव करना है और 8 ग्राम की टोटल आपको इस साशे में मिलती है प्रोडक्ट, जो कि 100 रुपीज़ की है। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, ठीक है। जो ये कंपनी क्लेम करती है वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, मैं बताऊँगी कि बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, आप इज़िली आप इसको कैरी कर सकते हैं और अप टू 5 टाइम्स आप एक पैक में से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी स्किन को इसने इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड किया, कमाल का ग्लो था। यहाँ पर ये मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उनको मैं टोटली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसमें कोकोनट की तादाद जो है भरपूर तरीके से मौजूद है, जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट करता है। और अब जो नेक्स्ट मैं ये ब्लॉसम 360 का टोनर यूज़ कर रही हूँ। तो बैक टू द रिव्यू, बिल्कुल ग्लास स्किन प्रोवाइड करता है। आप हफ्ते में इसको 2 से 3 बार और चाहे रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई इतना हार्मफुल इसमें केमिकल्स वगैरह ऐड हैं नहीं है, कुछ भी नहीं है और प्लस अफोर्डेबल है, कमाल का ये मास्क है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी। और नेक्स्ट ये मैं XQM का 24 के गोल्ड सीरम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने फेस को शेव किया था इसलिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्किन केयर के जो है वो फॉलो करना पड़ा है। तो ओवरऑल जो है रिजल्ट्स आर ऑसम इस मास्क के। इसने फर्स्ट यूज़ से ही मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट, हाइड्रेटेड प्लस एक क्लियर स्किन प्रोवाइड की है। बाकी मैं इसको ये रेगुलर यूज़ करूँगी। अगर आपको एक रेगुलर जो है इसका रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसका एक फुल डिटेल रिव्यू शेयर करूँ। बाकी ये मास्क जो है ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत कमाल का रहने वाला है। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ इस मास्क के बारे में शेयर किया है। होपफुली मैंने आपको सब कुछ बताया होगा इसके मास्क के बारे में, और अगर कुछ भी आपकी क्वेश्चन हो इस मास्क के बारे में तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि यूट्यूब पर आपको कहीं भी इस मास्क की जो है वो वीडियो नहीं मिलने वाली है, ठीक है। होपफुली इसके बाद शायद मिल जाए, लेकिन अभी मैंने सर्च किया है तो कहीं पर भी आपको वीडियो नहीं मिलती। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। आपने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है, एंड इसी तरह से अपना भरपूर प्यार मुझे देते रहें और इसी तरह से मज़ीद हेल्पफुल और कंटेंट आपके लिए लेकर आती रहूँ। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।